नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। एक चेहरा जिसने हैरान कर दिया, एक चेहरा जो बिल्कुल सोनिया गांधी जैसा दिख रहा है इन दिनों, ये है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की सोनिया गांधी। और अपने कैरेक्टर में इन्होंने जान डाल दी। फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ट्रेलर रिलीज के साथ ही सुर्खियों में छा गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पीएम कार्यकाल पर बनी इस फिल्म में यूपीए की केंद्र सरकार के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय के काम और मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व को दिखाया गया है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही न सिर्फ मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहे अनुपम खेर, बल्कि सोनिया गांधी का रोल कर रही सुजैन बर्नर्ट भी काफी तारीफें बटोर रही हैं। वेल, आपको बताते हैं कौन है सुजैन बर्नर्ट। सुजैन जर्मन बॉर्न एक्ट्रेस हैं, जो साल 2005 में मुंबई आकर बसी थी। जर्मनी में जन्म लेने के बावजूद सुजैन हिंदी, मराठी और बंगाली भाषा अच्छी तरह से जानती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो एक परफेक्ट बैले डांसर होने के साथ साथ ट्रेंड लावड़ी डांसर भी हैं। सुजैन बर्नर्ट फिल्म और टेलीविजन एक्टर अखिल मिश्रा की वाइफ हैं। दोनों ने साल 2009 में सिविल कोर्ट में शादी की थी। इसके बाद साल 2011 में दोनों ने भारतीय रीति रिवाज से शादी की। सुजैन बर्नर्ट फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर से पहले कई फिल्मों और सीरियल्स का हिस्सा बन चुकी हैं। उन्होंने करीब 24 भारतीय सीरियल्स में काम किया, जिसमें पोरस, ये रिश्ता क्या कहलाता है, चक्रवर्ती अशोक सम्राट, एक हजारों में मेरी बहना है, झांसी की रानी जैसे टॉप शोज शामिल हैं। फिल्म करियर की बात करें तो सुजैन बर्नर्ट अब तक 17 फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इन फिल्मों में हिंदी के साथ ही मराठी, बंगाली और इंग्लिश भाषा में बनी फिल्में भी शामिल है। यानी कि टीवी शोज के दर्शकों के लिए सुजैन एक जाना पहचाना चेहरा है। सुजैन ने बॉलीवुड के अलावा जर्मन फिल्मों में भी काम किया है। सुजैन इससे पहले भी 7 RCR नाम के सीरियल में भी सोनिया गांधी के रोल में नजर आ चुकी हैं। सुजैन दिखने में बहुत खूबसूरत हैं और वो इंडियन आउटफिट में भी काफी अच्छी नजर आती हैं। आपको बता दें, सुजैन ने टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की में विदेशी बहू डोरिस बजाज की भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि सुजैन आमिर खान के साथ एक एड फिल्म में भी नजर आ चुकी हैं। वैसे आपको ये भी बता दें, थ्री इडियट्स में भी उन्होंने एक लाइब्रेरियन का रोल किया था। वेल, अब आपको बताते हैं कि सुजैन बर्नर्ट को सोनिया गांधी का रोल कैसे मिला। इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। सुजैन को सोनिया गांधी का किरदार निभाने का ये मौका उनके जबरदस्त ऑडिशन से मिला। आपको बता दें कि 35 साल की सुजैन बर्नर्ट से पहले इस किरदार के लिए इटली की एक एक्ट्रेस का नाम सामने आ रहा था। फिल्म में सुजैन को चांस मिलने की कहानी बहुत दिलचस्प है। बर्नर्ट ने ऑडिशन के लिए सिर्फ एक सेल्फ शूट वीडियो भेजा था, जिसे देखने के बाद फिल्म मेकर्स ने बर्नर्ट उनके नाम पर मुहर लगा दी और इस तरह सुजैन ने इटालियन एक्ट्रेस का फिल्म से पत्ता साफ कर दिया और इस तरह उन्हें मिल गई ये फिल्म। वेल, आपको बता दें कि सुजैन इस फिल्म में बिल्कुल सोनिया गांधी नजर आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने इस लुक के लिए कितनी मेहनत की है और यकीनन एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है सुजैन बर्नर्ट। तो ये है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की सोनिया गांधी और अपने किरदार में जान डालने के लिए इन्होंने लगा दिया है एड़ी चोटी का दम और जिसका रिजल्ट आप सबके सामने है, वो बिल्कुल सोनिया गांधी के अंदाज में नजर आ रही हैं। वही स्टाइल, वही बोलने का अंदाज और वही व्यक्तित्व, कुल मिलाकर शानदार है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की ये सोनिया गांधी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।